बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 14 है। आज हम आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं इजाजत, मुसन्निफ मुहियुद्दीन नवाब, आवाज नौशनीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 03002919600 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 14। बेडरूम के अंदर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, और मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया है। रात ज्यादा हो गई है, हम दोनों थके हुए हैं, लिहाजा आराम से सो जाना चाहिए, सुबह मुलाकात होगी। शब बख़ैर। मुराद हैरान परेशान बंद दरवाजे को देखने लगा। अब उसे खाली पर्स की वजह समझ में आ रही थी। मोना ने पहले ही बेडरूम की दोनों चाबियां और नकद रकम वगैरह को अपने पास छुपा लिया था। खाली पर्स को गाड़ी में छोड़ दिया था। उसने झुंझुला कर कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाने का मंसूबा पहले ही बना लिया था? अंदर से जवाब मिला, तुमने भी कॉफी में ख्वाब आवर दवा मिलाने का मंसूबा पहले ही बना लिया था। मैंने अपनी हिफाजत के लिए पेज की मनसूबाबंदी की और उस पर अमल कर रही हूँ। मोना, ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं तुम्हें समझता हूँ। मर्द को कभी ना भड़काया करो। अगर मैं भड़क गया तो दरवाजे को तोड़ कर रख दूंगा। तुम तोड़ना शुरू करोगे, मैं चीखना शुरू करूंगी, लोग जमा हो जाएंगे, मेरे दिल से तन्हाई का खौफ जाता रहेगा। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। अगर वो शोहर की हैसियत से दरवाजा खोलने पर मजबूर करता तब भी नाकामी होती। मगरबी ममालिक में शोहर अपनी बीवी पर ख्वामखा रोब नहीं डालते, उसकी इजाजत के बगैर बेडरूम में भी नहीं जा सकते। फिर भला वो दरवाजा कैसे तोड़ सकता था? वो तो महज धमकी दे रहा था, और वो धमकी बेअसर हो गई थी। वो झुंझला कर अपने बेडरूम में आया, गुस्से से टहलने लगा। उसे किसी तरह करार नहीं आ रहा था। फिर उसने अलमारी खोली, शराब की बोतल निकाली, उसके बाद गिलास में एक पैग लेकर पीने लगा। पहले उसने ठहर ठहर कर एक पैग हलक से उतारा। कुछ सुकून महसूस हुआ, वो आराम और सहूलत से मौजूदा हालात का तजिया करने लगा। फिर वो इत्मीनान से चलता हुआ और दूसरे बेडरूम के दरवाजे में पहुंचा। दस्तक देते हुए कहने लगा, मोना मेरी बात सुन लो, कल मैंने तुम्हारी कॉफी में ख्वाब आवर गोलियां मिलाई थी। ये मेरी दुश्मनी नहीं थी, मेरी दीवानगी थी, मेरी चाहत थी, एक हुसूल का जज्बा था। तुम मेरी इस हरकत को दुश्मन की नजर से देखो तो मैं बुरा हूं, दोस्त की नजर से देखो तो मैं कामरान से भी ज्यादा तुम्हारा तलबगार हूं। वो चंद लम्हे चुप होकर जवाब का इंतजार करता रहा। फिर उसने कहा, मेरी तलब वक्ती नहीं है, पायदार है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं। मैं अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपनी दौलत, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। यकीन ना हो तो पहले सब कुछ अपने नाम करा लो, फिर चाहो तो मुझे कंगाल बनाकर धुतकार दो। मैं फिर भी साबित कदम रहूंगा और आखिरी सांस तक तुमसे तलब करता रहूंगा। उसने फिर जवाब का इंतजार किया। फिर बेडरूम के अंदर खामोशी रही। वो पलट कर अपने कमरे में आया, दूसरा पैक बनाकर उसे हलक से उतारने लगा। महसूस हुआ जैसे कदरा शराब कोई असर नहीं दिखा रही है। सफा नंबर 154। उसने बोतल की गर्दन दबोच ली, जैसे मोना की गर्दन हाथ आ गई हो। फिर उसने बोतल को मुंह से लगा लिया।
खटाखट दो चार घूंट हलक से उतार कर गहरी सांस लेने लगा। दो घूंट और पीने के बाद वो बेडरूम से बाहर आकर लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, ऐ मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। तुम क्या समझती हो, क्या मैं कुत्ता हूँ, भौंक रहा हूँ, इसलिए जवाब नहीं देना चाहिए। मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे भौंकने और फिर काटने पर मजबूर मत करो। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता हुआ दरवाजे के करीब आया, बोतल को मुंह से लगाकर दो घूंट हलक से उतारे, फिर आस्तीन से मुंह पोंछते हुए बोला, तुम मेरे शिकंजे में हो, यहाँ मेरी बीवी हो, मैं चाहूँ तो एक लम्हे के लिए तुम कामरान से नहीं मिल सकती। अगर अभी तुमने दरवाजा ना खोला तो कल से मैं अपने कानूनी हुकूक इस्तेमाल करूंगा। उसने बोतल फिर मुंह से लगाई, फिर दो घूंट पिए और आस्तीन से मुंह पोंछने के बाद कहा, मैं मानता हूँ तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं इज्दिवाजी हुकूक हासिल नहीं कर सकूंगा। तुम भी ये मान लो कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कामरान की बीवी ना बन सकोगी। ये मेरा दावा है। बेडरूम के अंदर मूना एकदम से घबराकर उठ बैठी। अब तक वो आराम से लेटी हुई थी, मुराद की बातों को बकवास समझकर नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन ये आखिरी बात दिल को लग रही थी। ये दुरुस्त था, वो कानूनी शौहर बनकर उसके और कामरान के दरमियान एक ऐसी दीवार बन सकता है जिसे कोई नहीं गिरा सकता। यहाँ उसका कामरान बेबस था और रजा मुराद को कानून की भरपूर हिमायत हासिल थी। वो पलंग से उतरकर खड़ी हो गई, दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो कह रहा था, मैं आज भी कामरान का बेहतरीन दोस्त हूँ, मैंने पहले भी इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, अब भी दे सकता हूँ। क्या वो मेरे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता कि मेरे हक में तुमसे दस्तबरदार हो जाए? और वो जरूर कुर्बानी देगा। दोस्ती इम्तिहान लेती है और वो इस इम्तिहान में नाकाम नहीं होगा। सफा नंबर 155। मूना इनकार में सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। वो खामोश अदाओं से कह रही थी, नहीं नहीं, कामरान कभी ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता, कामरान कभी ऐसी कुर्बानी नहीं देगा जिससे मोहब्बत पर हुर्फ आए, जिससे औरत की हया नीलाम का माल बन जाए, हरगिज नहीं, कामरान कभी ऐसा नहीं करेगा। बाहर से फिर मुराद की ललकार सुनाई दी, इस बार आवाज बहुत ज्यादा लड़खड़ाती हुई थी। वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर रहा था, कह रहा था, ऐ तुम सो गई हो या मर गई हो, मैं जानता हूँ तुम नहीं मरोगी, तुमने मुझे मार डाला है, बाहर आओ और मुझे मोहब्बत से मारती रहो, मैं मरता रहूंगा। जिद करोगी तो तुम्हारे और कामरान के दरमियान आज भी और कल भी सात समंदर का फासला कायम रहेगा। वो दरवाजे से लग गई थी, परेशान होकर सोच रही थी, अपने सर को थाम कर दिल ही दिल में कह रही थी, मैं पैदा क्यों हुई हूँ, पैदा हुई तो जवान क्यों हुई, जवान हुई तो बेनाम सुहागन क्यों बनी। ये सोचने के दौरान दरवाजा हौले से लरज गया, जैसे दूसरी तरफ से धक्का दिया गया हो, जबरन उसे खोलने की कोशिश की गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई, की होल से आंख लगाकर देखने लगी। पहले मुराद की पुश्त नजर आई, वो दरवाजे से जरा दूर जा रहा था, फिर एक जगह रुककर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसने हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई थी, अब वो बोतल को मुंह से लगाकर एक एक घूंट पी रहा था, दरवाजे की तरफ देख रहा था, झुंझला रहा था। फिर उसने घूंसा दिखाते हुए कहा,
मैं दरवाजे को नहीं तोड़ सकता, मगर कानून के घूसे से तुम्हारी इज्दवाजी जिंदगी को रेजा रेजा कर सकता हूँ। उसने एक हिचकी ली, नशे में लड़खड़ाया, फिर नजरों से ओझल हो गया। की होल से नजर नहीं आ रहा था, यकीनन लड़खड़ाने के बाद औंधे मुंह गिरा होगा। हल्की सी धप की आवाज सुनाई दी थी। वो की हॉल के पास से हट गई। तजस्सुस पैदा हुआ कि वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, क्या नशा उस पर गालिब आएगा या वो नशा इसे दीवाना बनाकर दरवाजा तोड़ने पर मजबूर करेगा। सफा नंबर 156। पता नहीं आज रात क्या होने वाला है। उसने स्विच ऑफ किया, अपने बेडरूम की बत्ती बुझा दी। कमरे में तारीकी छा गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खिड़की के पास आई। उसके पर्दे को जरा सा हटाकर शीशे के पार देखा। वो फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाता हुआ, करवट बदलता हुआ चारों शाने चित हो रहा था। खुली हुई बोतल उसके हाथ में थी, उसमें से गिरी हुई शराब उसके गिरेबान को भिगो रही थी। उसने फिर बोतल को मुंह लगा लिया, शराब उसके हलक में उतरने लगी। उसका बहुत सा हिस्सा फर्श पर और उसके लिबास पर बह गया था। जरा सी देर में बोतल खाली हो गई, अब एक कतरा भी नहीं गिर रहा था। उसने झुंझलाकर बोतल को जोर से सामने वाली दीवार की तरफ दे मारा, फिर उठने लगा, मगर उठ नहीं पा रहा था, बार बार गिर जाता था। फिर उसने फर्श पर कोहनी टेकी, उसके सहारे उठने की कोशिश की। उठने के दौरान उसने फिर दरवाजे की तरफ देखा, उसकी तरफ घूसा दिखाना चाहा, लेकिन नशा इस कदर ज्यादा था, हाथ पांव इस कदर ढीले पड़ रहे थे कि वो घूसा दिखाने के लिए मुट्ठी नहीं बांध सकता था। वो उठते 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 फिर लड़खड़ा कर औंधे मुंह गिर पड़ा। इस बार वो उठ ना सका, वहीं बड़बड़ाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज टूटती जा रही थी। मूना चुप खड़ी से देख रही थी, सहमे हुए अंदाज में बोल रही थी, कहीं शराब की ज्यादती उसे मार ना डाले। अगर ये मर जाएगा तो क्या होगा? होगा क्या? एक मुसीबत टल जाएगी, एक दुश्मन मर जाएगा, लेकिन इस कॉटेज में इसकी मौजूदगी में दुश्मन की मौत के लिए परेशानी का बाइस होगी। अगर चेस की मौत की जिम्मेदारी उस पर आयद नहीं होगी, ताहम वो कामरान मुर्तजा उर्फ मुराद की भी बेवा कहलाएगी। उसकी मौत के बाद लंदन में रहने का क्या जवाब रहेगा? क्या वो अपने मरहूम शौहर की मिनी कैब एजेंसी का कारोबार संभाल ले सकेगी? तौबा तौबा, वो मुराद को अपना मरहूम शौहर तस्लीम क्यों करेगी, जबकि उसे जिंदा शौहर तस्लीम नहीं कर रही है, लेकिन कानून के आगे बेबस होगी। सफा नंबर 157। फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर उसने मुराद के कारोबार को संभाल लिया तो अपने कामरान मुर्तजा के साथ कैसे इज्दवाजी जिंदगी गुजार सकेगी? वो अपने कामरान मुर्तजा के साथ कैसे इज्दवाजी जिंदगी गुजार सकेगी? वो लंदन में उसका कानूनी शौहर नहीं कहलाएगा। हाँ, एक बात है कि वो मरहूम कामरान मुर्तजा के हवाले से यहाँ की कानूनी और बाकायदा शहरी रहेगी। अगर अपने कामरान मुर्तजा को यहाँ का बाकायदा शहरी बनाना चाहे तो उससे शादी कर सकती है। एक बेवा जो बाकायदा शहरी हो, वो किसी बेकायदा शहरी से शादी करके उसे यहाँ के शहरी होने का कानूनी हक दिला सकती है, मगर क्या वो अपने शौहर कामरान मुर्तजा से दोबारा निकाह पढ़ाएगी? तौबा तौबा, एमिग्रेशन के कानून से खेलने के लिए कानून के महाफिजों को एक फरेब दिया, सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ चली आई। अब एक फरेब के बाद कितने ही फरेब के जाल फैलते जा रहे थे। पता नहीं उसे क्या कुछ करना होगा। ये समझ में आ गया था, जो भी करना होगा वो इखलाक, तहजीब और कानून के खिलाफ ही होगा।
वो फर्श पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेहिसो हरकत था। खिड़की से जरा दूर था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि सांस चल रही है या नहीं। क्या वो मर चुका है? वो खिड़की के पास से हट गई, पर्दे को बराबर करके अंधेरे में खड़ी कुछ सोचने लगी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यूं लग रहा था जैसे बाहर एक मैयत पड़ी है। वो ऐसे घर में है जो आसेब ज़दा हो चुका है। क्या इसकी रूह भटक रही होगी? क्या हुआ? वो ना आ सका? उसकी रूह तो कमरे के अंदर आएगी। वो सहम कर तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। अगरचे वो ज़ईफ़ुल एतक़ाद नहीं थी, फिर भी इन हालात में जाने कैसे कैसे ख्यालात दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, उसकी परेशानी में इजाफा कर रहे थे। उसने स्विच ऑन कर दिया, कमरे में रोशनी हो गई। वो ख्वाह कितनी ही हौसला मंद हो, तारीकी में नहीं रह सकती थी। रात गुजर रही थी, उधर मुराद फर्श पर पड़ा हुआ था, इधर वो कमरे में टहल रही थी, कभी बैठ रही थी कभी उठ रही थी। आंखों से नींद उड़ गई थी। फिर पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, मुराद के जिस्म में जरा सी हरकत पैदा हुई, वो कराहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलने लगा। सफा नंबर 158। वो जहां पड़ा हुआ था वहां से बल्ब की रोशनी नजरों में धुंधला रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया, उसका सर चकरा रहा था, दरो दीवार घूमते हुए से नजर आ रहे थे, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रही थी। उसे याद आया कि वो बंद दरवाजे को खोल नहीं सका था। उसने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, आ जाओ, दरवाजा खोल कर आ जाओ, अगर ये दरवाजा आज ना खुला तो दोस्ती के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे, कल से दुश्मनी के दरवाजे खुल जाएंगे। वो कहते कहते रुक गया, बेयकीनी से देखने लगा। दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा था, वो भी नजर आ रही थी। अगरचे सर चकरा रहा था, दिमाग काबू में नहीं था, फिर यूं लग रहा था जैसे वो हकीकत हो, जैसे ख्वाब हो। जो कोई भी हो, उसकी धमकी के मुताबिक दरवाजा खुल चुका था, वो सामने आ गई थी। वो दोनों हाथ फर्श पर टेक कर उठने लगा। अगरचे डगमगा रहा था, अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता था, फिर भी उठकर खड़ा हो गया। जब मुतालबा पूरा हो रहा हो, हाथ से निकलने वाली चीज फिर हाथ आ रही हो, तो ऐसे में तवानाई हासिल हो ही जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे हटकर एक तरफ जाते हुए बोली, मुझे हाथ न लगाना, तुमने दरवाजा खोलने के लिए कहा, मैंने खोल दिया, पास आने के लिए कहा, आ गई, अब बोलो क्या चाहते हो। वो सुर्ख लिबास में थी, कल पाकिस्तान से सुर्ख साड़ी में मलबूस आई थी, आज उसने सुर्ख शलवार सूट पहना हुआ था। वो ऐसी सुहागन थी जो सिर्फ लिबास से सुहाग का भरम रख रही थी, वरना जिसकी मनकुहा थी उसके मन में थी, और जिसकी मनकुहा नहीं थी उसके घर में थी। ना उसे हासिल हो सकती थी, ना उसे मिल सकती थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, धुंधलाती हुई आंखों से देखते हुए बोला, सुर्ख पोश के लब बाम नजर में आयत, न बुजूर न बाजारी न बजर में आयत। वो जो सुर्ख लिबास में नजर आ रही थी वो लब बाम है, मेरी पहुंच से दूर है, ना मेरी कुव्वत से हासिल हो सकती है, ना आहुजारी से हासिल हो सकती है, और ना ही क़ीमतन मिल सकती है। सफा नंबर 159। बेशक शायर ने ऐसे ही हालात के लिए दुरुस्त कहा है, शायर ये नहीं जानता था कि जो किसी तरह हासिल ना हो वो चालाकी से मिल सकती है। रजा मुराद का हाथ जेब से बाहर आया, फिर एक खटाके से अचानक ही चाकू खुल गया।
वो हंसते हुए बोला, तुमने पहले ही मनसूबा बनाया था कि मुझे बेवकूफ बनाओगी और बेडरूम में जाकर बंद हो जाओगी। मैं भी सोच कर आया था कि कल तुमने किचन का चाकू दिखाया था, आज मैं चाकू दिखाऊंगा। कल तुम्हारी चाल कामयाब हुई, आज मेरी होगी। वो घबरा कर बोली, मैं चीखना शुरू कर दूंगी। इससे पहले ही ये चाकू तुम्हारे जिस्म में उतर जाएगा, इससे पहले ही ये चाकू तुम्हारे जिस्म में उतर जाएगा। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप मेरे पास चली आओ। तुम अभी मोहब्बत से कह रहे थे कि दरवाजा खोलोगी तो दोस्ती कायम रहेगी, वरना दुश्मनी की इब्तिदा हो जाएगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली, क्या फिर भी दुश्मनी करोगे? हाँ, एक बार हाथ से निकली हुई चीज दोबारा हाथ आ जाए तो फिर धोखा नहीं खाना चाहिए। मैं अब फरेब नहीं खाऊंगा, मैं इतना अनाड़ी नहीं हूँ। आज तुम्हें हासिल ना कर सका तो कल हाथ मलता रह जाऊंगा। वो आगे बढ़ा, ये पीछे हटने लगी, लेकिन बचकर कहाँ जा सकती थी। चाकू उसके हाथ में था, उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया, धमकी दी, अगर शोर मचाओगी तो जान से जाओगी। फिर भी उसने एक चीख मारी। इसके साथ ही उसने चाकू से हमला किया। पहले हमले से वो बच गई, लेकिन बचने के साथ ही पीछे दीवार से टकरा गई। बदहवासी में भागने का रास्ता ना मिला। दूसरा हमला हुआ, फिर उसके जिस्म पे पैर दर पे चाकू का फल उतरता रहा, जिस्म से खून के छींटे उड़ते रहे, दीदे फैलते रहे। वो साकित होती रही, सुहागन का सुरख जोड़ा लहू की सुर्खी में भीगता चला गया। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। जब उसने पहली बार चाकू से हमला किया तो शीशा एक छनाके से टूट गया। उसके बाद उसने पैर दर पे हमले किए। मूना लीजा जख्मी होती गई, उसकी तस्वीर पर जा बजा सुराख पड़ते गए, लेकिन उसकी आंखों के सामने दीवार पर मोना लीजा की तस्वीर नहीं थी, बल्कि मोना दीवार से लगी हुई थी। सफा नंबर 160। वैसे मोना हो या मोना लीजा, मुस्कुराहट को हर दौर में कत्ल किया जाता है, और वो कत्ल कर रहा था, जुनूनी अंदाज में चाकू से हमले कर रहा था। फिर वो थक कर हांफने लगा, घूर कर देखने लगा। चंद लम्हों के बाद उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। वो अचानक ही धाड़े मार कर रोने लगा, रोते रोते दीवार से निपट कर कहने लगा, आह, मैंने ये क्या किया, तुम्हें मार डाला, मैं तुम्हारा कातिल हूं। मगर मैं क्या करता, तुम मेरी जिंदगी में मेरे हाथ नहीं आ सकती थी, मर कर ही हाथ लग सकती थी। देखो अब तुम बेजान हो गई हो, अब तुम मुदाफियत नहीं कर सकोगी, मुझे करीब आने से नहीं रोक सकोगी, इसलिए तुम मेरी सांसों के करीब हो, मेरे जिस्म जान में समाई हुई हो। वो दीवार से लिपट रहा था और नशे की हालत में आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाता हुआ बैठता जा रहा था। फिर वो फर्श पर बैठ गया, इसके बाद फर्श पर लुढ़क गया। वहां थोड़ी देर बाद खामोशी छाई रही, आखिर उसके खर्राटे सुनाई देने लगे। मोना बेडरूम के अंदर सहमी हुई थी, उसकी बकबक सुनती रही थी। बातों से जाहिर हो रहा था उसके पास चाकू है और वो चाकू से कहीं हमले कर रहा है। अब वो इसके खर्राटे सुन रही थी, वो खर्राटे रात के अंधेरे सीने में तेज खंजर की तरह उतर रहे थे। वो रातें कैसी होती हैं जो सुहागने गुजारती हैं, ये रात कैसी है जो एक अभागन गुजार रही है। सफा नंबर 161।
कामरान अपने बिस्तर पर गुमसुम बैठा सुन रहा था और मोना उसे सुना रही थी। एक होता है बात कहना और एक होता है बात सुनाना। वो कभी सहूलत से कहती जाती थी और कभी खूब सुनाती जाती थी। फिर एक होता है दुखड़ा रोना। कहने और सुनाने के दौरान वो रोती भी जाती थी। उसकी मुकम्मल रुदा सुनने के बाद कामरान ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुराद जैसा दोस्त ऐसी हरकतें कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वो गुस्से से बोली, मैंने कयामत की दो रातें गुजारी हैं और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है। क्या तुमने मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं अकेली कमजोर औरत तुमसे दूर शैतानों की पनाह में रहूं? मोना, ये बात नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक बात का यकीन करता हूँ। यकीन करते हो तो अभी अस्पताल से छुट्टी लेकर चलो। छुट्टी ना मिले तो मुझे ब्रैडफोर्ड के मकान का पता बताओ। मैं तन्हा वहां जाकर रहूंगी। तुम तन्हा कैसे जाओगी? ये शहर शैतान की आंख की तरह फैला हुआ है। फिर तुम्हें मुराद के यहाँ से अपना सामान भी लेकर आना होगा। मैंने अपना और तुम्हारा तमाम सामान वहां से समेट लिया है। क्या वो सब अपने साथ लाई हो? मैंने वो सामान रेलवे स्टेशन के लॉकर में रख दिया है। लॉकर की चाबी मेरे पास है। सफा नंबर 162। तुम अपने बेडरूम में अंदर से बंद हो गई थी, फिर कैसे निकल कर आई? क्या मुराद ने नहीं रोका? मैं तमाम रात जागती रही। वो तमाम रात खर्राटे लेता रहा। मेरी नींद उड़ गई थी और शराब ने उसे सुला दिया था। सुबह मैंने अपने कमरे से निकलकर देखा, वो इसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने अपना और तुम्हारा तमाम सामान समेटा, फोन करके टैक्सी को बुलाया, फिर तमाम सामान बाहर निकालकर इस कॉटेज को लॉक कर दिया। मुराद की जेब से कॉटेज की दोनों चाबियां निकाल ली। पीछे किचन का दरवाजा है, उसे भी बाहर से लॉक कर दिया है। वो अब कॉटेज से नहीं निकल सकेगा। अगर निकल सकता तो अब तक मेरा पीछा करता हुआ यहाँ पहुंच जाता। कामरान उसके भोलपन पर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें जॉन हंटर का फोन नंबर बता रहा हूँ, इससे रابطہ कायम करो। उसे मुख्तसर हालात बताओ और यहाँ आने के लिए कहो। इसके जरिए मुझे फौरन छुट्टी मिल जाएगी। वो रात कॉटेज में बंद रहकर जख्मी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा होगा। डॉक्टर हंटर उसे काबू कर सकेगा। उसकी बात खत्म होते ही डॉक्टर हंटर दरवाजे पर नजर आया। उसने वहीं से मोना पर एक नजर डाली, फिर तेजी से चलता हुआ उसके करीब आकर बोला, मुझे मुराद ने फोन करके जरिए बताया है तुम्हारी बीवी उसे कॉटेज में बंद करके चली आई है। वो गुस्से में चीख रहा है, धाड़ रहा है, आखिर उसे लॉक करने की क्या जरूरत थी? मोना ने पहले तो नागवारी से डॉक्टर को देखा, फिर बड़े तहमुल से पूछा, डॉक्टर, जंगली दरिंदों को पिंजरों में क्यों बंद किया जाता है? एक जुनूनी इंसान को सलाखों के पीछे क्यों रखा जाता है? मैं जानता हूँ मुराद ने कोई गलती की होगी, लेकिन, मोना ने बात काट कर कहा, लेकिन आप हालात पूरी तफसील के साथ नहीं जानते। इतना ही समझ लीजिए, पिछली दो रातें मैंने जिस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए गुजारी है, शायद कोई दूसरी औरत होती तो हौसला हार जाती और तुम्हारे मरीज की हविस का निशाना बनकर रह जाती। मेरी तकदीर अच्छी थी या तदबीर अच्छी थी, मैं बच कर चली आई। सफा नंबर 163। आप वहां जाएं और कॉटेज खोलकर देखें। आपको वहां शराब की बू मिलेगी, चाकू मिलेगा और मोना लिजा की तस्वीर जख्मी नजर आएगी। शायद वो नशे की ज्यादती के बायस तस्वीर की जगह मुझे देख रहा था, मुझ पर हमले कर रहा था। उसकी बड़बड़ाहट से यही जाहिर हो रहा था, अगर वाकई में इस तस्वीर की जगह होती तो यही कुछ होता।
डॉक्टर सर झुकाकर सोचने लगा, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोला, मुराद बहुत ओवर होता जा रहा है, उसके बावजूद वो लाइलाज नहीं है, मुझे आप दोनों का ताउन चाहिए। पार्ट 13 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब इजाजत का पक्के हिस्सा पार्ट 14 पर समाप्त फरमाइए। शुक्रिया।